अज़बल बसमीम आज की क्लास में हम सरय बकरा का आगाज़ करने जा रहे हैं सरय बकरा और दिगर तमाम सूरतों का आगाज़ तस्मिया से होता है और सूर तौबा के आगाज़ में तस्मिया नहीं है तो कुछ हमारे शुरुका नए हैं जिन्होंने पिछली जब नशिस्त में हमने तस्मिया का तर्जमा पढ़ा था वो मौजूद नहीं थे इसलिए उनके लिए हम इसको दोहरा लेते हैं बिस्मी ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है अरबी जुबान वो वसी जुबान है जिसमें सिर्फ़ लफ्ज़ों के माना नहीं होते बल्कि बहुत से ऐसे हरूफ़ हैं हरूफ़ जैसे हरूफ़ तहजे नालिफ़ से बड़ी ये तक तो कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अपने अंदर एक मुकम्मल माना रखते हैं उन्हीं में से एक हर्फ जो है वो बा है अब बा के मुख्तलफ़ माना है मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ जो मतलब इसका लिया गया है तस्मिया में तो तीन जो मतरजिम साहिबान हैं उन्होंने जो तर्जमे लिखे हैं एक तर्जमा है सात और दूसरा इसका तर्जमा है से सात और से दो माना अलग अलग क्यों किए गए हैं इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं गुज्त किसी नशस्त में ये बताया था कि हर जुबान में बात को बयान करना हर जुबान में अलग अलग तरीक़ा होता है अल्फाज का मिलाकर जुमले या मुहावरे बनाना उसका अलग अलग तरीक़ा होता है तो जो तरीका अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ जोड़ कर जुमले बनाना है उर्दू ज़ुबान में उससे बहुत फ़र्क है इसी तरह अगर हम इंग्लिश ज़ुबान में देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क़ होगा इसी तरह से हर ज़ुबान दूसरी ज़ुबान से मुख्तफ होती है अपनी बनावट में और माना समझाने में दूसरी बात ये कि कोई भी ज़ुबान जब वक्त और ज़माना तरक्की करता है तो चीज़ें तब्दील होती रहती हैं कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कुछ नई चीज़ें ऐजाद होती रहती हैं जब नई चीज़ें आती रहती हैं तो उस जुबान में भी इजाफ़ा होता जाता है यानी वक्त के साथ साथ ज़ुबान में भी तरक्की होती जाती है ज़ुबान के अलफ़ में बात समझाने में तब्दीली आती रहती है तो अगर हम पुराने ज़माने की कुतुब पढ़ें आज से पचास साठ साल पहले की या एक सदी पहले की या दो सौ तीन सौ साल पहले की कुतुब पढ़ें या हम चौदह पंद्रह सौ साल पहले की कुतुब पढ़ें उनमें और आज की क़ुतुब में ज़मीन आसमान का फ़र्क अगर नहीं भी होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क ज़रूर होगा क्योंकि आज ज़माना जितना तरक्की कर चुका है चौदह पंद्रह सौ साल पहले उतना तरक्की याफ़्ता नहीं था और जो तरक्की आज हो चुकी है वो गुज्त तीन चार सदियों में हुई है बहुत तेज़ी के साथ और ये तेज़ी तकरीबन पिछली सदी में सबसे ज़्यादा थी इसलिए ये जो तर्जमें और तफसर जो बाहावरा तर्जमे शामिल किए हैं इसमें में मुतरजम और जो मुफसर साहिबान हैं वो मुख्तलिफ़ अदवार के हैं तो उन्होंने तकरीबन उसी तरह से तर्जमा किया है जो उनके ज़माने में उनके इर्द गिर्द आम तौर पर समझा जाता था इसलिए जो थोड़ा बहुत लफ्ज़ों में उर्दू में फ़र्क होगा उस फ़र्क को आपने सिर्फ़ इसी तरह से समझना है कि ये तर्जम करने वाले साहिबान के दौर में उर्दू का इस्तेमाल ऐसे होता था इसलिए ज़ुबान में फ़र्क है वरना वो जो माना समझाना चाहते हैं वो तकरीबन एक ही होता है सिर्फ वक्त और ज़माने की वजह से उनमें फ़र्क आ जाता है अब बा का माना जो दो माना बयान किए गए हैं साथ और से अगर हम गौर करें तो मतलब एक ही होता है साथ का मतलब भी वही होता है और से का मतलब भी वही होगा तो बसवी इसम जो है हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इसम का मतलब नाम जैसे हम कहते हैं आपका इसमें गरामी क्या है मेरे वालिद साहब का इसमें ग्ररामी फ़लाँ है तो इसम का मतलब होता है नाम तो बसमी का मतलब हुआ नाम के साथ या नाम से अल्लाह अल्लाह का इसमें ज़ात है इसमें ज़ात वो होता है जो किसी की ज़ात का नाम हो और अल्लाह की ज़ात का नाम अल्लाह है अब चूँकि ये अल्लाह ताला का इसमें ज़ात है इसलिए ये कोई मखलूक अपना नाम नहीं रख सकती किसी का नाम अल्लाह रखना ये अल्लाह ताला के इसमें ज़ात के साथ कह लें कि एक तरह का शिरक हो जाएगा हमें इसमें अल्लाह जो है किसी जात का नाम हम नहीं रख सकते बाकी जो अल्लाह पाक के सिफाती नाम है ये आ, आम भी है और रखे भी जाते हैं अल्लाह ताला के सिफाती नाम के साथ अब्दुल गा के हम रखते हैं और जब हम बोलते हैं, जैसे अब्दुलरहमान रख दिया अब्दुलरीम रख दिया लेकिन जब हम बोलते हैं हम किसी को पुकारते हैं तो हम पूरा बुलाने के बजाय हम कह देते रहमान रहीम तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रहमान एक सिफ है लेकिन हमें रहमान कहने में भी एहतियात करनी चाहिए क्यों मैं आपको रहमान और रहीम का भी साथ ही समझा देती हूँ फिर वजात करती हूँ रहमान का मतलब है बहुत मेहरबान और रहीम का मतलब है रहमत वाला या नहायत रहम वाला जो रहम करने वाला रहमान और रहीम दोनों के तर्जमे आप देखें दोनों में रहमत का अंसर पाया जा रहा है रहम का रहमत का अंसर पाया जा रहा है मेहरबान होना रमत वाला होना रहम करने वाला होना ये असल में रहमत के मुख्तलिफ सगे हैं लेकिन अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी दो सिफात बयान कर दी रहमान और रहीम तो दोनों में कुछ तो फ़र्क़ होगा ना जो रब तला ने दोनों को साथ शामिल किया है रहमान में जो रहमत का दर्जा है वो अपनी रहमत की इंतहा पर है इतनी इंतहा कि उसके बाद रहमत का ज़्यादा होना तसवुर नहीं किया जा सकता यानी रहमत की जो इंतहाई हद जो है वो लफ्ज़ रहमान से ज़ाहिर होती है और लफज़ रहीम में जो रहमत का दर्जा है वो लफ्ज़ रहमान की नस्बत कम है इसलिए किसी बंदे का अगर नाम हो अब्दुलरमान तो उसको रहमान नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो हद इंतहाई हद रहमत के लफ्ज़ रहमान में है उस हद तक कोई फ़र्द नहीं पहुंच सकता वो सिर्फ़ अल्लाह की शान को अल्लाह ताला की जात को ही शायन शान है वो किसी मखलूक की नहीं हो सकती इसलिए अगर किसी फ़र्द का नाम रहमान हो तो उसे पूरा रहमान कह कर ही पुकारना चाहिए सिर्फ़ रहमान नहीं कहना चाहिए रहीम में अगर किसी का नाम रहीम है तो हम उसको रहीम कह सकते हैं क्योंकि उसमें रहमत की इंतहा नहीं है तो वो सिर्फ किसी में हो सकती है तो अब बिस्मिल्लाह का पूरा जो तर्जमा हमें देख लेते हैं जो छः मुतरजम ने लिखा है पहला कंजुलिमान में है अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है आप यहीं इसी पहले तर्जमे से देख लें कि लफ्ज़ी तर्जमे में कहीं कोई लफ्ज़ नहीं आया शुरू का लेकिन तर्जमे में लिखा हुआ है अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान जबकि लफ्जी तरज को अगर हम जोड़ें तो बनता है अल्लाह साथ नाम अल्लाह जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने नहायत रहम करने वाला है तो इसमें कहीं शुरू का लफ्ज़ नहीं है लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ों को जोड़ने का तरीक़ा उससे माना समझना वो अलग है और उर्दू ज़ुबान का अलग है दीगर ज़ुबानों का हर ज़ुबान का अलग अलग होता है चूँकि जो बा, बा, मुहावरा तर्ज़मा करते हैं मुतरजम उनकी कोशिश ये होती है कि तर बाहरा तर्जमे को इतना आसान कर दें कि पढ़ने वाले को मुश्किल ना हो लिहाजा कुछ लफ्ज़ जब बा मुहावरा तर्जमा किया जाता है तो पढ़ने वाले को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जायद लफ्ज़ शामिल कर लिए जाते हैं ताकि तर्जुमा समझ में आ जाए तो इसका तर्जमा उन्होंने लिखा है अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है अब शुरू क्यों उन्होंने लिखा हम अदीस पाक में भी हमें सुन्नत पाक भी मिलती है ना कि आ, आकल सलाम ने हमें सिखाया कि कोई भी अच्छा काम करो तो बिसमिल्ला पढ़ के शुरू करनी है तो यहाँ से ये वाजिया मतरजम वाजिया करते हैं कि बिसमिल्ला से हम काम जो भी शुरू करने जा रहे हैं वो हम काम शुरू कर रहे हैं तो हम उस काम के आगाज़ में शुरू करने में हमने बिसमिल्ला पढ़ा है क्योंकि शुरू में पढ़ा है तो हम अगर इसका मतलब ये कर लें कि अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें कोई मुायका नहीं है आगे तफसर नई में तर्जमा लिखा है बहुत मेहरबान रहमत वाला रहमत वाले अल्लाह के नाम से शुरू उन्होंने अल्लाह ताला की सिफात को पहले लिख दिया है और शुरू करने के काम को बाद में लिख दिया है ये भी एक तरीका है बात अपनी समझाने का तो सिर हसनात में है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहतः रहम वाला है हाफिज नजर साहब ने लिखा है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है अब देखिए तीसरे और चौथे तर्जमे में इन्होंने है भी शामिल कर लिया है जबकि पहले और दूसरे तर्जुमे में है नहीं था तो मकसद वही है कि उन्होंने हर मुतरज ने कोशिश की है कि मेरे तर्जमे में मैं ऐसी कोशिश करूँ कि पढ़ने वाले को नहाय आसानी हो दूसरी बात यह है कि इनके अदवार में भी फ़र्क है इसलिए जो पुराने अदवार थे जितना हम पीछे चले जाएँ उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के दौर में चले जाएँ उतना हम देखेंगे कि मुख्तसर अलफाज में बात बयान करने की कोशिश की जाती है लेकिन आज जो आज का मौजूदा दौर है इसमें जो है बयान करने के लिए लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो समझाया जाता है खोल कर बयान किया जाता है ताकि सुनने वाले को समझ बेहतरीन तरीके से आ सके कुरान में तर्जमा लिखा गया है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है अब यहाँ पर इन्होंने करता हूँ भी शामिल कर लिया है जबकि इस अरबी में कहीं भी फ़ेल नहीं है करने का जो लफ्ज़ है जिससे ज़ाहिर हो करने का काम वो लफ्ज़ नहीं है इसमें सारे इसम हैं जितने भी लफ्ज़ हैं वो सब इसम है कोई भी फ़ेल नहीं है लेकिन मतरजम ने उस शुरू करता हूँ फेल शामिल कर लिया है ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ और वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो बहुत मेहरबान है और हमेशा रहम फरमाने वाला है यानी पढ़ने वाले को पूरा पूरा मफहूम अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू करे तो उसके दिल में ये रगबत भी होगी उसको शौक भी होगा कि मैं ये काम अगर अच्छा काम शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से तो वो कोशिश करेगा कि हर अच्छा काम अल्लाह के नाम से ही शुरू करे। तो इस तरह से ऐसे तराजम से इस तरह आसान फहम और जल्दी याद हो जाने वाले जो तर्जमे हैं उससे बंदे को अमल करने में भी आसानी हो जाती है तो जो मतरजम होते हैं या मुफसर होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि हम इतनी आसानी पैदा कर दें तर्जमा करने में कि पढ़ने वाला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ ले और अमल की कोशिश करें कुरान के तर्जमा में लिखा गया है अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है यहाँ भी इन्होंने फ़ेल को शामिल नहीं किया इससे भी एक सेंस जो है वो डेवलप हो जाती है यानी एक तसुर बन जाता है कि मुख्तसर अल्फाज में हमने बात अगर करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं तो ये जो हमने पा छः तर्जमे पढ़े हैं इसमें आपको ये बात भी नोट कीजिएगा कि अगर हमने बात अपनी पूरी खोल कर बयान करनी है जामे अल्फाज के साथ बयान करनी है तो किस सलीके से बयान की गई है और अगर ज़्यादा तवील गुफ्तु नहीं करनी मुख्तर अल्फा इस्तेमाल करने हैं तो मतरजम ने किस तरीके से अलफ को अरेंज किया है जोड़ा है एक दूसरे के साथ ताकि लफ्ज़ कम हो अगर अगरचे लफ्ज़ कम हो लेकिन तर्जमा पढ़ने वाले के जहन में आ जाए उतर जाए उसके दिल दिमाग में इरफानलकुरान ही का इंग्लिश तर्जमा पढ़ते हैं जैसे कि पहले भी मैंने बताया था नए शुरु के लिए बता रही हूँ इंग्लिश का हमने एक तर्जमा इसलिए शामिल किया है क्योंकि मोस्टली हमारी जो बहने हैं इस क्लास में वो वालदा हैं तो आज का जो दौर है उसमें हर चीज़ में इंग्लिश आ रही है तो ज़्यादातर जो ये होता है मौजूदा जो है जो इस वक्त माँ के मुकाम पर हैं उनके पीछे जो है इंग्लिश ज़्यादा हाई नहीं है यह हमारी आ, हमारा एक सोसाइटी का जो है ना वो एक डेवलपमेंट का एक मरहला है कि इस वक्त जो हमारे पिछले दौर की यानी कि 10-20 साल पहले जो 10-15 साल पहले पढ़ी हुई बहनें हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी कम है तो हमने तर्जमा इसलिए शामिल किया है कि वालदाओं को थोड़ी सी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बेहतर बनाने में आसानी हो ताकि वो अपने बच्चों को जो आज की मौजूदा तालीम है वो इंग्लिश उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो उनको कम अज़ कम दीन के हवाले से कुछ इंग्लिश अल्फाज जो हैं वो आ जाएँ ताकि वो अपने बच्चे बच्चों को जब दीन की बातें सिखाना शुरू करें तो उनको आसानी हो अपनी बात बच्चों को समझाने में इंग्लिश तर्जुमा पढ़ लेते हैं इन द नेम ऑफ अल्ला यानी अल्लाह के नाम से द मोस्ट कम्पैशनेट जो नहायत मेहरबान है द एवर मर्सीफुल हमेशा फरमाने वाला है सुर बकर की पहली आयत शुरू करते हैं अलिफ लाम मीम। क्लास का टाइम चूंकि तंग हो रहा है तो इसी को मैं कोशिश करती हूँ मुकम्मल कर लूँ अलिफ लाम मीम आप गौर करें तीन हरूफ़ हैं अलिफ लाम और मीम शरा फातह का लफ्ज़ जो शरा फातह शुरू हुई वो शुरू होती है अलहमद से अहमदल्ला अब अलहमदल्ला का जो लफ्ज़ है हम आम इस्तेमाल में करते हैं आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं शुक्र अदा करने के लिए तो ये अगर कोई किसी छोटे बच्चे को जिसे चीज़ों की थोड़ी सी पहचान हो गई हो उसके सामने भी अगर हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह तो वो समझ जाएगा तो सूरह फातिह का आगाज़ बहुत आसान तरीके से किया गया अब सूरह बक अगली ही सूरत सूरह बकरा है और उसका आगाज़ अलिफ लाम मीम से शुरू कर दिया गया अब अलिफ लाम मीम तो कोई आम जुबान में आम जुबान में इस्तेमाल किए जाने वाला कोई आम लफ्स तो नहीं है जिससे किसी को समझ में आ जाए तो इसका एक मकसद जो मुफसरीन बयान करते हैं वो ये है कि अलिफ लाम मीम लाने का मकसद ये है कि इंसान कहीं ये गरूर में ना आ जाए कि कुरने पाक तो सारे का सारा इतना आसान है और ये तो मेरी मुझे जितनी अक़ल और इल्म है ये तो मैं आराम से समझ सकता हूँ मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है समझने की तो यहाँ पर अल्लाह अल्लाह ताला जब ऐसे अल्फाज लाते हैं तो वो उस बंदे को जो है उसमें से ग़र और तकबर को कम करने के लिए काफ़ी होता है कि बंदे तेरी अकल जितनी भी बुलंद हो जाए तो ये राज की बातें तू नहीं जान सकता और तुझे मानना पड़ेगा कि मेरा रब मेरा रब है और मैं बंदा हूं तो उसमें आजजी आएगी और उसमें तकबर और गुरूर जो है वो जाना शुरू होगा और वो अल्लाह की बारगाह में झुकेगा कि मुझे अता कर और अता उसने कहाँ से लेनी है अल्लाह तला ने किसको दिया अपने हबीब मकरम वसल्लम को दिया आपने अपने ग्लामान को तकसीम फरमाया साहबा कराम को अता फरमाया साहबा कराम से आगे अहलमान ने लिया तो इस तरह से जो शख़्स जितना अगला दौर आता जाएगा वो जितना मर्ज़ी अपनी अकल को तरक्की दे ले लेकिन ये इस तरह जो राज के जो राज़ के अल्फ़ाज़ हैं वो उन तक नहीं पहुँच सकता ये राज असल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम के दरमियान राज हैं और इनके असल माना अल्लाह ताला ही जानता है और आकलतम को जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है तो आकलतम ही जानते हैं बाकी अगर कोई उम्मत में से जाने तो वह आकलम की अता करदा नेमत होगी इसलिए ज़्यादातर मुफसरिन और मतरजम यही लिखते हैं कि ये हरूफ़ ये हरूफ़ हरूफ मकत्आत हैं और इनका माना कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये अल्लाह के राज हैं और इनकी मुराद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम ही जानते हैं लेकिन अहल ई ईमान पर यह लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो इनको हक जाने और इन पर अपना पूरा ईमान रखे कि अगर उसको समझ में नहीं भी आता तो वो ये ईमान रखे कि इनके ज़रिए अल्लाह ने जो पैगाम दिया है वो हक़ है और जो भी पैगाम दिया है हम उस पर ईमान लाते हैं तफसीर हसनात में बयान करते हैं मुफसर के ये हुरू, ये यहूफ़ अलीफ़िलाीम जो हैं इस किस्म के जो भी हरूफ़ हैं वो हरूफ मुकत्यात कहलाते हैं और लिखे तो ये इकट्ठे जाते हैं लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो अलग अलग पढ़ते हैं और ऊपर जो मतरजिम हैं उन्होंने भी लिखा है और इन्होंने भी लिखा है कि ये कि ये मतशबात हैं मतशाबहत ये होती हैं कि जिसका जो है ना परफेक्ट माना या मतलब जो है हम नहीं कह सकते कि इसका यही माना है उसमें शुबा होता है किसी भी लफ्ज़ के माना या मफहम में उसकी मुराद क्या है उसका मतलब क्या है असल में हकीकी उसमें शुबा ही रहता है तो ये हरूफ जो हैं ये मतशाबात में से हैं कि इसका कोई आ, उम्मती कोई इंसान नहीं कह सकता कि इसका यही माना एग्जैक्टली बनेगा जो असल और हकीकी माना है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं और आकल सल्लाम जानते हैं इसका इरफान कुरान में इंग्लिश तर्जमा लिखा है अलीफलाम मीम ओनली अल्लाह एंड द मैसेंजर ब्लैसिंगस एंड पीस बी अपॉन हिम नो द रियल मीनिंग कि आप ही असल माना जानते हैं आ, मीटिंग की वार्निंग आ गई क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है तो अलीफलामीम का एक स्क्रीन तो आपके सामने है दूसरा हिस्सा मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी आपने इनको याद करना है और दूसरी बात मैं दोबारा फिर कह रही हूँ कि इंग्लिश की विकैबलरी भी आप लोगों ने अपनी अगर तो ये लफ्ज़ जितने अभी हम पढ़ चुके हैं वो आपको आते हैं तो ये बहुत बेहतर है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आते कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आपको नहीं आता तो वह आपने याद करने की कोशिश करनी है पूरी पूरी आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं अल्लाह ताल से दुआ है कि हमें जितना पढ़ा इसको समझने की उस अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए और तस्मिया पढ़ने की तोफ़ी अता फरमाए इस्तकामत अता फरमाए कि हम हर अच्छे काम पर के आगाज़ पर तस्मिया का विद किया करें तस्मिया पढ़ कर ही आगाज़ किया करें इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब हमारी आदत होगी हर काम के करने से पहले तस्मिया पढ़ने की तो हम बहुत से ऐसे काम हैं जो गलत हैं अल्लाह पाक ने मना फरमाया है हम उनके करने से भी रुक सकते हैं तो ये तस्मिया की बरकत होगी वैसे भी कुरान पाक की भी आयत है मसनून तरीक़ा भी है अकलतम ने तालीम भी फरमाया है तरबियत भी फरमाई है तस्मिया पढ़ना तो जब हम कुरान की आयत और सन्नत पाक की नीयत करके तस्मिया को अपने एक आदत बना लेंगे तो इन हमारे हर काम में अल्लाह ताली की बरकत भी होगी आकल सल्लाम के नाला ने पाक का सदका ख़ैरात भी हमें मिलेगी और हमारी ज़िंदगी में बरकत आएगी इनशाल्ल अल्लाह पाक से एक मरतबा फिर दुआ है कि हमें अपने दिन की सही समझ बूझ फहम अता फ़रमाए और हमें अमल करने की तोफ़ी के साथ साथ आगे सिखाने की हमत और दानाई भी अता फ़रमाए ताकि हम बेहतरीन तरीके से आगे सिखा सकें السلام عليكم ورحمه الله وبركاته